हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का जो क्लास चल रहा है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास अभी चल रहा है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की। अभी तक हम लोग 26 टेस्ट देख चुके हैं। जी हाँ, 26 टेस्ट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे 27वां टेस्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएड और डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें देखेंगे हम लोग 75 प्रश्न जो बीएड और डीएलएड से संबंधित है। देखिए, ये जो क्लास है आपका प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है ना 90% लगभग आपका सेम है, और इसीलिए आपका दोनों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो का अगर PDF आपको चाहिए, PDF के रूप में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 251 रुपये का पेमेंट करना होगा हमारे इस नंबर पर 7857824310, और इसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 7857824310 पर आपको सेंड कर देना है, जहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, इसका वीडियो मिल जाएगा, इसका नोट्स मिल जाएगा, और भी बहुत सारे PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, और इसके अलावा सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो जो लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट का सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत का यहाँ पर क्लास चल रहा है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपका जो क्लास चलता है 9 बजे से चलता है, लाइव क्लास चलता है, और लाइव में अगर जुड़ना है तो आपको कॉन्टैक्ट करना होगा हमारे से। चलिए, आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि न्यूपा का मुख्यालय है। जी हाँ, न्यूपा क्या होता है? NUEPA है ना। अगर इंग्लिश में लिखा जाए NUEPA न्यूपा। न्यूपा का मुख्यालय जो है वो है आपका नई दिल्ली में। न्यूपा की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1962 में, यानी कि 1962 में हुई थी इसकी स्थापना। और न्यूपा का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या होता है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा का फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जरूर से जरूर। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी कि ये जो अधिनियम था दोस्तों, ये 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, और इसका जो प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 के ए में। अनुच्छेद 21 के ए में इसका प्रावधान किया गया है, और इसी को कहा जाता है RTE, यानी राइट टू एजुकेशन, है ना। राइट टू एजुकेशन इसी को कहा जाता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसको वर्ष 2009 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? वर्ष 2009 ईस्वी में। चलते हैं अगला प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर 3। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। जी हाँ, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं क्या है? सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण, या उपयुक्त सभी। तो 3rd का हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, राष्ट्रीय पर्व भी, और वृक्षारोपण भी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आपका 4 नंबर। कह रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया कि शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, और 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है आपका शिक्षक दिवस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये हो गया राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, है ना, ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हो गया 5 सितंबर। अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो अगर पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप आंसर कीजिएगा 5 अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर, यानी कि 1 महीना बाद 5 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर की सामान्य अभिलेख है। जी हाँ, सामान्य अभिलेख क्या है? लॉग बुक है, PTA है, MTA है, या ये सभी है? 5 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि आंसर नंबर D। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु कौन कौन से हैं। जी हाँ, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु। तो 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक हैं, शिक्षार्थी हैं और पाठ्यक्रम है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर प्रश्न। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि 9 बजे जो लाइव क्लास होता है उसमें आप जुड़ सके। प्रश्न है, कथन वाला प्रश्न है और ये तो आपको रट्टा मारने वाला है। कह रहा है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। जी हाँ, ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है वो है आपका रेमंड का। किसका कथन है दोस्तों, तो रेमंड का ये कथन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका शिक्षण के सूत्र हैं। शिक्षण के कौन कौन से सूत्र होते हैं, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर इनमें से सभी। तो ये जो तीनों आपको दिख रहा है, सरल से कठिन, सरल से कठिन जो ये आपका शिक्षण के जो सूत्र हैं इसको किसने दिया था, तो ये हर्बर्ट महोदय ने दिए थे। याद रखिएगा, हर्बर्ट महोदय के द्वारा ये दिया गया था, सरल से कठिन की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर भी हर्बर्ट के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर एक हो गया, और उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो है ये शिक्षण के सूत्र हैं आपके। आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर डी। देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर को ही एक और नाम से जाना जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। अगर यहाँ पर मूर्त से अमूर्त रहता तो वो भी आपका बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। जी हाँ, उपचारात्मक शिक्षण के क्या लाभ हैं। छात्रों की दुर्बलताओं व कठिनाइयों का पता चल जाता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, या कठिनाइयों का निराकरण होता है, या इनमें से सभी। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। उपचारात्मक शिक्षण के ये सभी लाभ हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्देशन की आवश्यकता होती है। देखिए, अभी तक आपका 26 क्लास हो गया है, ये 27वां क्लास है। पीछे वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा जो प्ले लिस्ट है ना, चैनल, आप चैनल पे क्लिक कीजिएगा तो हमारे प्ले लिस्ट में आप चले जाइएगा, है ना। तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पर अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है आपका, प्रधान शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का, है ना, BPSC का, सबका अलग अलग प्ले लिस्ट है। तो वहाँ पर जाकर के सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कह रहा है कि निर्देशन की आवश्यकता होती है, तो किसमें होती है, अपंग व्यक्तियों में, या फिर विशेष व्यक्तियों में, सामान्य व्यक्तियों में, या फिर सभी व्यक्तियों में। तो निर्देशन की आवश्यकता किसे होती है, तो सभी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है ना, निर्देशन की। नेक्स्ट है कि दृष्टि दोष की पहचान है। दृष्टि दोष की कौन सी पहचान है दोस्तों, आंखों को बार बार झपकाना, या फिर पढ़ते समय आंखों में दर्द महसूस करना, या पुस्तक को आंखें के निकट रखना, या फिर उपयुक्त सभी परेशानियां। तो दृष्टि दोष जो है इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। अगर आंख को बार बार झपका रहे हैं तो ये भी दृष्टि दोष का संकेत हो सकता है, ठीक है। पढ़ते समय अगर आंख में दर्द हो रहा है तो ये भी आपका हो सकता है, और पुस्तक को आंख के निकट रखेंगे तो ये भी हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, कह रहा है कि विशिष्टता का संप्रत्यय होता है। जी हाँ, विशिष्टता का संप्रत्यय क्या होता है, केवल गुणात्मक होता है, या केवल मात्रात्मक होता है, या गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, या कुछ भी नहीं हो सकता। क्या होगा आपका 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका दोनों हो जाएगा, यानी कि गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर कह रहा है कि कौन शिक्षा के क्षेत्र विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। विशिष्ट बालक के बारे में कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, और दूसरा जो ऑप्शन है कह रहा है कि शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, या जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, या शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। देखिए, बौद्धिक दृष्टि से तो विशिष्ट हो सकता है बिल्कुल, शारीरिक दृष्टि से भी हो सकता है, और शैक्षिक दृष्टि से भी हो सकता है, लेकिन जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक कभी भी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है और नहीं ही आपको पूछ रहा था। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि ब्रेल विधि किससे संबंधित है। जी हाँ, ब्रेल लिपि, आप लोग पढ़े होंगे ब्रेल के बारे में। तो ब्रेल जो होता है ना, ये किससे संबंधित होता है, तो ये दृष्टि दोष होता है आपका, है ना। दृष्टि दोष जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए ये विधि उपयोग में आता है आपका। श्रवण दोष तो ये होगा नहीं, मानसिक भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, दृष्टि दोष से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि अधिगम के प्रयत्न और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्रयत्न और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक। देखिए जितने प्रश्न हैं ना आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसी टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको जितना भी सेट करवाया गया है आप सेट जरूर देखिए, एक बार दो बार तीन बार उसको देख लीजिएगा रिपीट करके, है ना, फास्ट करके, जैसे भी आपको इच्छा करे देख लीजिए, आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट हो जाएगा। तो प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो है आपके थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय हैं। और इन्होंने प्रयत्न और भूल सिद्धांत कब किया था इसको प्रतिपादित, तो याद रखिएगा 1898 में किया था प्रतिपादित, 1898 में। स्किनर महोदय का कौन सा सिद्धांत है, तो याद रखिएगा सीखने का सिद्धांत। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, तो सीखने का सिद्धांत स्किनर महोदय को दिया गया था। कोहलर महोदय ने कौन सा दिया था दोस्तों, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर महोदय ने दिए थे, ठीक है। और पावलोव के द्वारा कौन सा दिया गया था, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, है ना, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया गया था आपको पावलोव के द्वारा, याद रखिएगा। ये सभी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत स्किनर और कोहलर दिए थे आपको, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और थॉर्नडाइक दिए हैं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ये सिद्धांत है ना आपको 2 से 3 सिद्धांत फिक्स है कि पूछेगा तो पूछेगा, 100% पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको कि अवधान। अवधान यानी कि ध्यान में क्या निहित होता है, जी हाँ, प्रेरक शक्ति, अनुभव, रुचि या फिर ज्ञान, 16 का क्या हो जाएगा आपका, इसमें रुचि निहित होता है। चलिए अगला है आपका 17 नंबर, कह रहा है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जी हाँ, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, कोहलबर्ग, थॉम्पसन, फ्रॉबेल या फिर जॉन डीवी, तो 17 का क्या हो जाएगा आपका कोहलबर्ग, ठीक है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक। और ये प्रतिपादित कब किया गया था, तो ये किया गया था आपको 1969 ईस्वी में, ठीक है, 1969 में किया गया था कोहलबर्ग के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर है आपका 18 और ये आपका कथन वाला प्रश्न है, तो रटना पड़ेगा इसको, 2-4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह किसका कथन है, जी हाँ, तो ये जो कथन है दोस्तों ये कथन हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया गया है, थॉम्पसन, हर्लॉक, क्रो और फ्रोवेल, तो ये जो कथन है वो है आपका थॉम्पसन का, ठीक है, याद रखिएगा थॉम्पसन। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है और यह कथन किसका है, जी हाँ, तो ये भी कथन वाला सवाल है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है गिलफोर्ड, फ्रॉबेल, जॉनसन या फिर स्किनर, 19 का हो जाएगा आपका, ये कथन है आपका स्किनर महोदय का, ठीक है, स्किनर, और स्किनर ने ही दिया था सीखने का सिद्धांत। अगला है आपका 20 नंबर की तद्भव क्या है, तद्भव एकल है या आश्चर्य है या फिर अमृत है या फिर अंधेरा है, तो 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ये अंधेरा, सॉरी ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न छूटा गया है, यहाँ पर लिखना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिए आप, अंधकार का तद्भव क्या होगा, है ना, अंधकार, अंधकार का तद्भव रूप क्या होगा, तो ये अंधेरा हो जाएगा, अंधकार का तद्भव रूप अंधेरा। आज्ञा का समानार्थी शब्द क्या होता है बताइए, तो आज्ञा का समानार्थी शब्द तो अनुमति हो जाएगा आपका, है ना, आज्ञा का अनुमति। नेक्स्ट है कि 9-2-11 होना, काफ़ी ईजी है, भाग जाना, है ना, 9-2-11 होना, भाग जाना। ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ क्या होता है, तो 23 का हो जाएगा आपका बाह्य आडंबर, है ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान बाह्य आडंबर। नेक्स्ट है कि वायु का पर्यायवाची क्या होता है बताइए, वायु का पर्यायवाची क्या होता है, तो 24 का हो जाएगा दोस्तों ये सभी, यानी कि हवा भी होता है, पवन भी होता है, अनिल भी होता है और आपका समीर भी होता है, है ना, समीर भी होता है आपका, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि तरनी का पर्यायवाची क्या होता है, जी हाँ, तो तरनी का पर्यायवाची क्या होता है, तो होता है नौका, है ना, तरनी का पर्यायवाची नौका, ठीक है। देखिए तरनी में देखिए न, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला न है तो इसका होता है नौका, अगर तरनी इस वाला न मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है नदी, ठीक है, तो न में थोड़ा सा अंतर है तो वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, जी हाँ, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, किसके माध्यम से दी जाती है, गीतों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से, 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वार्तालाप के माध्यम से, है ना, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है किससे, तो वार्तालाप के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर, कह रहा है कि परामर्श एवं निर्देशन, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, तो परामर्श एवं निर्देशन देने वाली जो संस्था है मनोविज्ञान संस्था, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, बरेली, वाराणसी या फिर इलाहाबाद। 8 का क्या हो जाएगा? 28 का ये आपका इलाहाबाद में पड़ता है। आंसर रखिएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ना। आपके जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका थोड़ा सा बेनिफिट हो सके, फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए सामान्य बच्चे कैसे होते हैं, सामान्य बच्चे के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। 70 से कम IQ, 70 से 81 IQ, 91 से 110 IQ या फिर 110 के ऊपर वाले। देखिए समान जो बच्चा होता है ना, उसका जो IQ लेवल होता है वो 90 से लेकर के 110 के बीच में होता है। ठीक है, और प्रतिभाशाली अगर पूछ लिया जाए तो 130 प्लस होता है आपका प्रतिभाशाली बच्चा। ठीक है, तो ये सामान्य बच्चे आप याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? जी हाँ, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको दुर्लभ गुण वाला बच्चा बताया है। ये किसने बताया है? तो वो हैबिट ने बताया है ना, हैबिट के द्वारा ये बताया गया है। याद रखना ये मनोविज्ञान है, हैबिट। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? तो 31 का हो जाएगा, उसे कहते हैं मापन रेखा विधि। ठीक है, मापन रेखा विधि उसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बाल विकास का प्रमुख आधार क्या है? दोस्तों बाल विकास का प्रमुख आधार क्या है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बाल विकास का प्रमुख आधार जो है वो है आपका उपयुक्त दोनों, यानी कि वंशानुक्रम भी और वातावरण भी, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी कि इनमें से दोनों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 33 नंबर। कह रहा है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है। जी हाँ, वंशानुक्रम जो है वो किससे मिलता है? तो माता पिता से बच्चे में मिलता है ना। तो ये कथन किसका है? रूथ बेंडिक्ट का, फ्राइड का, जोन्स का या फिर पियाजे का? तो ये जो कथन है वो है रूथ बेंडिक्ट का, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, छपने वाला प्रश्न है ये सब। नेक्स्ट है आपका कि बाल विकास की अवस्थाएं हैं। जी हाँ, बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है? शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, या इनमें से सभी है? तो बाल विकास की तो सभी अवस्थाएं होती है ना। शैशवावस्था भी है 0 से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था भी है 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था भी है 12 से 18 वर्ष तक, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी। जी हाँ, प्रतिभाशाली बालक किसे कहेंगे? प्रतिभाशाली ऑप्शन कह रहा है कि अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, बी है कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, सी है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, और डी है कि स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। जी हाँ, तो प्रतिभाशाली बालक किसको कहेंगे? तो यानी कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर जिसको होगा, है ना, कॉन्फिडेंस जिसको होगा वो होता है बच्चा मतलब प्रतिभाशाली बालक। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है कि अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? जी हाँ, अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? 7, 4, 8 या 9? 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके 8 अंग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अष्टांग योग का पहला चरण कौन सा है? तो वो यम होता है। पहला चरण क्या होता है? यम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न आपका 38 नंबर। कह रहा है कि यम कितने प्रकार का होता है? यम कितने प्रकार का होता है? 8, 5, 7, 10। तो ये 5 प्रकार का होता है। 5 कौन कौन प्रकार का होता है? तो ये पांचों प्रकार याद रखिएगा। सत्य होता है, ठीक है, सत्य हो गया, और क्या होता है आपका? तो अहिंसा हो गया आपका, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, और क्या होता है आपका? असत्य होता है, ठीक है, असत्य हो गया, और ब्रह्मचर्य हो गया आपका, ठीक है, ब्रह्मचर्य हो गया, और एक और होता है आपका अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह। ये होता है आपका यम के प्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 39। अच्छा देखिए दोस्तों, तो अगर आप जो अभी क्लास देख रहे हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। क्या मैसेज करना है ये आपको बताता हूँ। आपको इस नंबर पर 251 रुपये का सबसे पहले सहयोग करना है, पेमेंट करना है। जिनको भी ये PDF चाहिए, अगर वो सही रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो 7857824310 इस नंबर पर 251 आपको पेमेंट करना है। उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है? तो इसका PDF मिल जाएगा, वीडियो मिलेगा, और भी अदर बहुत सारा नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो लोग भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इस नंबर पर सेंड कर देना है 7857824310। और इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है। फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, अमेजन से, आप किसी भी रूप में इससे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, आपका 39 नंबर। चलिए 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं। जी हाँ, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? 5, 2, 7, 10, तो इसके 7 तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 40 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि चरित्र आदतों का पुंज है और यह कथन किसका है। चरित्र क्या है? आदतों का पुंज है और ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों वो है आपका डमविले का। ठीक है, डमविले का ये कथन है। नेक्स्ट है आपका 41। कह रहा है कि समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है और यह परिभाषा किसकी है, यानी कि ये भी आपका परिभाषा है, यानी कि कथन है। तो ये कथन किसका है? तो ये है आपका महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर। कह रहा है कि समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला प्रश्न है कि समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। कठोरता होता है, समयावधि होता है, लचीलापन या फिर विषयों का चयन। तो क्या हो जाएगा इसमें? होता है लचीलापन, है ना। आंसर हो जाएगा आपका लचीलापन, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जी हाँ, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन कह रहा है कि अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना या समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। तो विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख जो उद्देश्य है वो हो जाएगा छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 44 नंबर। कह रहा है कि बुक बैंक से संबंधित पंजिका कौन सी नहीं है। जी हाँ, बुक बैंक से संबंधित भंडार पंजिका, संचयी अभिलेख, दान पंजिका या फिर कार्यवाही पंजिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि दान पंजिका। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि व्यायाम की आवश्यकता होती है। जी हाँ, व्यायाम की आवश्यकता क्यों होती है? तो बालक के मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए या फिर व्यावहारिक अनुशासन के लिए। 45 का क्या हो जाएगा आपका? तो व्यायाम किस लिए करते हैं? तो शारीरिक विकास के लिए। सर्वांगीण विकास थोड़ी होगा इससे, है ना। मानसिक विकास भी खाली थोड़ी होगा इससे, तो आपका पूरे शरीर का विकास होगा ना। तो शारीरिक विकास के लिए करते हैं हम लोग व्यायाम, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर। कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, जिसमें यानी 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन से शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या फिर प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि का सिद्धांत। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? 46 का क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका प्रयोगात्मक कार्य विधि का सिद्धांत। प्रयोगात्मक कार्य विधि का सिद्धांत जो है ये कोई शिक्षण अधिगम नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेरणा का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? तो ये दिया गया है मैकडूगल के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा मैकडूगल, हाँ ना, मैकडूगल के द्वारा ये दिया गया था 1908 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। संप्रेषण के घटक हैं। जी हाँ, संप्रेषण के कौन कौन से घटक हैं? प्रेषक हैं, संदेश है, ग्राही है या फिर इनमें से सभी है। तो ये सभी हो जाएगा, इनमें से आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। जी हाँ, श्रव्य भी होना चाहिए और दृश्य भी होना चाहिए। श्रव्य मतलब सुनने वाला, दृश्य मतलब देखने वाला। तो रेडियो में आप क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हम सुन सकते हैं। तो रेडियो क्या हो गया? श्रव्य सामग्री हो गया। चलचित्र क्या हो गया? तो इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कंप्यूटर क्या हो गया? इसमें भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। टेलीविज़न में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो। रेडियो में सिर्फ हम सुन सकते हैं, यानी कि श्रव्य कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा रेडियो। अगला है आपका कि भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। जी हाँ, तो भ्रमण प्रविधि के चरण कौन कौन से हैं? कह रहा है कि शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री यानी फिर इनमें से सभी। तो 49 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। चलते हैं अगला है आपका 50 नंबर प्रश्न। हम लोग 8 तक लगा चुके हैं, है ना, 8 तक हम लोग लगा चुके हैं। प्रश्न कह रहा है कि पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जी हाँ, पाठ के प्रमुख तथ्य को आप बार बार दोहराते हैं, उसको याद करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो ये किस शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये प्रेरणा के सिद्धांत के आता है, नियोजन का सिद्धांत आता है, चयन का सिद्धांत आता है, या आवृत्ति का सिद्धांत आता है। ठीक है, किसी को बार बार दोहराना जो है दोस्तों, ये जो आता है आवृत्ति का सिद्धांत है ना, इसको क्या कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप 4 स्टार भी लगा सकते हैं, है ना, ये आवृत्ति का सिद्धांत से संबंधित है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला है आपका 51 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है। जी हाँ, वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तब ये वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, और किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है। जिन पियाजे, गार्टन, बीने या फिर गुड। 51 का क्या हो जाएगा आपका, जिन पियाजे से ये संबंधित है। ठीक है, जिन पियाजे। चलिए नेक्स्ट है आपका 52 नंबर, कह रहा है कि ये किसका कथन है। वंशानुक्रम जो है माता पिता से संतानों में प्राप्त होने वाला गुण है। जी हाँ, वंशानुक्रम किससे आता है, तो माता पिता से आता है बच्चों में, और ये कथन किसका है, ये गुण कहने वाले प्राप्त होने वाले गुण है, ये कथन किसका है, तो रूथ बेंडिक्ट, रॉस, नन या फिर फ्रॉवेल। 52 का क्या हो जाएगा, रूथ बेंडिक्ट का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट है आपका 53 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि किसने कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है। जी हाँ, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है, और ये कथन किसका है, थॉर्नडाइक का है, हर्लॉक का है, फ्रॉवेल का है, या फिर जॉन डीवी का है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 53 का क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिए, कमेंट में रुकना नहीं चाहिए, है ना, कमेंट करने से आपको याद होता है। ठीक है, गलत कीजिएगा तो आपके दिमाग पे क्लिक करेगा कि मैंने इसको गलत किया, इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 53 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। और लाइक भी करना ना भूलिएगा, जितने लोग देख रहे हैं लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में कंजूसी किस बात का है ना, पैसा लग रहा है क्या, नहीं, फ्री में तो देखना है, फ्री में लाइक करना है, फ्री में सब्सक्राइब करना है, फ्री में सब चीज़ करना है। ठीक है, लेकिन हाँ, PDF अगर चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मात्र 251 रुपये का आपको सहयोग करना है, हमारे 7857824310 नंबर पर, और आपको इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भी भेज देना है, जहां पर आपको PDF, वीडियो और भी बहुत सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से तैयारी आपकी हो सके। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन किया गया था। जी हाँ, शिक्षा नीति जो 1986 था, इसका गठन जो किसके समय पे किया गया था, तो 1986 में कौन थे, आप सोचिए 1986 में कौन थे, तो 54 का क्या हो जाएगा आपका, राजीव गांधी थे, है ना, राजीव गांधी थे उस समय। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, आंसर नंबर बी। अगला है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्यकारी प्रारूप प्रकाशित किया गया था। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 था, इसका कार्यकारी प्रारूप प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा, कब किया गया था, जनवरी 1986, मई 1986, या फिर जून 1986, या अगस्त 1986। 55 का क्या हो जाएगा आपका, तो ये अगस्त 1986 में इसका प्रारूप को प्रकाशित किया गया था। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, और अभी नई शिक्षा नीति आ गया है आपका 2020, उसके बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2020 जो शिक्षा नीति आया है उससे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 2020 शिक्षा नीति को अगर कहीं आपको मिले, मैं भी अगर कोशिश करूंगा कि ग्रुप में मैं शेयर कर दूं, है ना, उसका PDF वगैरह अगर अवेलेबल होगा मेरे पास तो हम आपको शेयर कर दूंगा, है ना, क्योंकि 2020 जो शिक्षा नीति आया है नया वाला, इससे क्वेश्चन 1 या 2 प्रश्न आपको फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं 56 नंबर कि जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति का गठन किया गया। जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति का गठन कब किया गया था, तो ये जो किया गया था दोस्तों, ये वर्ष 1992 में किया गया था। ठीक है, 1992। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आप लोग भी आ जाइए अगले प्रश्न पर, 57 नंबर। चलिए इसका जवाब दीजिए सभी लोग। 57 कह रहा है कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992 के अध्यक्ष थे। जी हाँ, तो 1986 और 1992 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था 1986 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जनार्दन रेड्डी, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। 57 का हो जाएगा जनार्दन रेड्डी। नेक्स्ट है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो ये भी काफ़ी मतलब बच्चा वाला सवाल है ना, सभी को पता है 26 लेटर होता है उसमें, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो स्वर भी आपको पता है कि 5 स्वर होते हैं, यानी कि वॉवेल, है ना, AEIOU। ठीक है, AEIOU। चलिए नेक्स्ट है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन हो जाएगा 21 आपका टोटल नंबर, है ना, 21, यानी कि कॉन्सोनेंट। ठीक है, काफ़ी इजी सवाल दे दिया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं, तो अभी आपको बता दिए ए ई आई ओ यू है ना, आंसर नंबर हो जाएगा आपका, स्वर हो जाएगा ये आपका, और वॉवेल यानी कि ये वॉवेल है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर, कराए कि क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इसमें आप लगा सकते हैं, ट्रिपल स्टार, ठीक ना, कि क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, किंग एवं थॉर्नडाइक। आंसर क्या हो जाएगा 52 का, किंग एवं थॉर्नडाइक हैं, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि अधिक तनाव का काल, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, हजारों बार पूछा गया ये सवाल है कि अधिक तनाव का काल किसको कहते हैं, तो किशोरावस्था है ना, जो किशोर होते हैं, बच्चे होते हैं, तो इस अवस्था में मतलब कि बहुत ज़्यादा तनाव भरी जीवन होती है, तो जब 12 से लेकर के 18 साल तक किशोरावस्था। शैशवावस्था का आयु क्या होता है, तो 0 से 6 होता है। बाल्यावस्था यानी कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था जो 18 से प्लस के हैं उनको प्रौढ़ावस्था कहेंगे, 60 तक को, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका 64 नंबर, कह रहा है कि स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं। जी हाँ, स्कूल बच्चों में, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, या फिर रुचि के रूप में। तो बच्चे में तो शारीरिक रूप में भी भिन्नता रहता है, मानसिक रूप में भी रहता है, और रुचि के रूप में भी रहता है, हाँ ना, तो सभी हो जाएगा, काफ़ी आसान सवाल हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 65 नंबर, 65 क्या कह रहा है कि जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है। जी हाँ, जन्म के समय अगर बच्चों को चोट लग गया या फिर भ्रूण क्षति की वजह से बच्चों में मानसिक जो मंदता आ जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन है आपका जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, या फिर चिकित्सा मंदता उसको कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहा जाता है दोस्तों जैविक मंदता, है ना, क्या कहते हैं, जैविक मंदता, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर, प्रश्न है कि पिछड़े बालक कौन है। जी हाँ, पिछड़े बालक आप किसको कहिएगा, हाँ ना, पिछड़े बालक वे हैं जो जिनके सीखने की गति क्या हो, धीमी हो, या फिर जिनकी बुद्धि लब्धि का स्तर क्या हो, 80-90 के बीच हो, या फिर मानसिक रूप से क्या हो, अस्वस्थ और असमायोजित हो, या फिर इनमें से सभी। तो 66 का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी अगर जिस बच्चे में है तो वो क्या हो गया, वो पिछड़े बालक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से हंस पद का चिन्ह कौन सा होता है। जी हाँ, तो हंस पद का चिन्ह कौन सा होता है, तो ये वाला होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68 नंबर के निम्न में से उद्धरण का चिन्ह कौन सा होता है। जी हाँ, तो उद्धरण का चिन्ह कौन सा होता है, तो वो होता है आपको ये वाला, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है 69 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि शक्ति, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, अरहर, मगहर शब्द निम्न में से किसे प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो शब्द जो है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये तुकांत शब्द को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। चलिए तुकांत शब्द को, अगला है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 25 आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 71, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 71, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए चिन्हित है। जी हाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए चिन्हित है, एक भाषा के लिए, द्विभाषा, तीन भाषा, या फिर बहुभाषा, तो ये तीन भाषा के लिए चिन्हित है दोस्तों। आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 72, कह रहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। जी हाँ, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, तो परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, यानी में से सभी। तो समाजीकरण कौन सी प्रक्रिया है जिससे बच्चे सीखते हैं, तो समाजीकरण जो दो हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा। ये परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, साथियों से भी सीखते हैं, इसी को कहते हैं समाजीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 73 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 73 कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता। जी हाँ, तो देखिए इसके जो जन्मदाता हैं, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्धि लब्धि जो सूत्र है यानी कि आईक्यू का जो सूत्र होता है इसको किसने दिया था, तो आईक्यू का जो सूत्र दिया गया था वो दिया गया था स्टर्न के द्वारा, ठीक है, ये दिया गया था आपको स्टर्न के द्वारा। लेकिन जो स्टर्न महोदय ये दिए थे आपको, इसमें थोड़ी खामियां थी, इसमें थोड़ी खामियां होने की वजह से, यानी कि अधूरा था ये, है ना, ये जो सूत्र था ये अधूरा होने की वजह से इसमें सुधार किया गया टर्मन महोदय के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया, सुधार किया गया टर्मन महोदय के द्वारा, इसमें सुधार किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि लब्धि मापन के जो जन्मदाता हैं वो टर्मन महोदय हैं, ठीक है। लेकिन जो ये सूत्र दिए थे ना, वो स्टर्न दिए थे, लेकिन स्टर्न जो दिए थे ये अधूरा सूत्र था। इसको सुधारा कौन, तो ये टर्मन महोदय सुधारा, और इसीलिए पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है, तो वो टर्मन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका टर्मन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जड़ बुद्धि बहुत बार पूछा गया है, जड़ बुद्धि है ना। तो जड़ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, इसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 71 से कम होता है ना। जिसका बुद्धि लब्धि 71 से कम हो उसे कहेंगे जड़ बुद्धि वाले बालक। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और आज का लास्ट प्रश्न। तो लास्ट जो प्रश्न है ना, एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है, एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है आपके एग्ज़ाम में 100%। आप लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन, पढ़िए इसको। कह रहा है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष, वास्तविक आयु 4 वर्ष, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना। आपसे मानसिक आयु यहाँ पर 10 दे देगा, वास्तविक आयु यहाँ पर 15 दे देगा, फिर पूछ लेगा आपको बुद्धि लब्धि, या फिर आपको बुद्धि लब्धि दे देगा, मानसिक आयु नहीं देगा, वास्तविक आयु दे देगा, या फिर मतलब दो चीज़ देगा, एक चीज़ आपसे यहाँ पर पूछेगा। तो इसका फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद होए आप इसको निकाल लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि बुद्धि लब्धि यानी कि IQ। ठीक है, तो IQ का जो फॉर्मूला होता है वो नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मानसिक आयु क्या होता है, तो लिख लीजिए मानसिक आयु, है ना, मानसिक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। गुने होगा बीच में, है ना, गुने 100, यहाँ पर जगह नहीं था इसीलिए लिख दिए, है ना। तो मानसिक आयु यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5। ठीक है, और वास्तविक आयु कितना दिया हुआ है, 4। और इसमें गुना किससे कर देंगे, 100 से। अब 4 से 100 को काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25 बचे कितना हो गया, 125। तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि कितना निकल गया, 125। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि 125। ये जो फॉर्मूला है आप याद रखिएगा। फॉर्मूला मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मानसिक आयु, क्योंकि एक नंबर यहाँ से फिक्स है 100%, नोट कर लीजिए, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु गुने 100। अब इस फॉर्मूला पर आप रख दीजिए, मानसिक आयु कितना है, 5, और नीचे कितना है वास्तविक आयु, 4। इसमें 100 से गुना कर दीजिए और इसको काट दीजिए 25 बार में, तो 25 बचे कितना होगा, 125 निकल गया आपका बुद्धि लब्धि। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको बुद्धि लब्धि दे देगा, है ना, तो यहाँ पर आपको मानसिक आयु या फिर वास्तविक आयु आपको दिया हुआ रहेगा, है ना। बुद्धि लब्धि दिया हुआ रहेगा तो इसमें से एक चीज़ नहीं दिया हुआ रहेगा, मानसिक आयु अगर पूछ लिया जाए या फिर वास्तविक आयु पूछ लिया जाए, है ना, कोई भी दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, एक चीज़ आपको निकालना रहेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपको ये कैसा लगा, आप लोग जरूर से ज़रूर इसको बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और डेली जो आपकी क्लास चल रही है रात में 9 बजे से, अगर इसका PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, तो PDF के लिए आपको 251 रुपये का पेमेंट करना होगा इस नंबर पर 7857824310, और आपको यहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, PDF मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, और इसके अलावा नोट्स भी आपको मिल जाएगा। आपको मात्र एक ही बार आपको 251 रुपये का सहयोग करना है यहाँ पर, और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए, यानी कि जुलाई तक, है ना, जुलाई में एग्ज़ाम की घोषणा यहाँ पर की गई है और 31 मई को आपको प्रधानाध्यापक की घोषणा की गई है, तब तक आपको इसका PDF, वीडियो, नोट्स इत्यादि सभी चीज़ आपको मिलते रहेगा। जो लोग पेमेंट करेंगे तो वो लोग स्क्रीनशॉट ले करके हमारे इस नंबर पर ज़रूर से ज़रूर भेज देंगे, क्योंकि पेमेंट भी इसी नंबर पे करना है और व्हाट्सएप भी आपको इसी नंबर पे करना है, तो कोई भी आपको परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है, और फिर हम कल मिलेंगे दोस्तों, इसी टाइम 9 बजे आपका क्लास होता है। ठीक है, और सीटेट का अगर जो लोग पढ़ रहे हों, आपके जो भी सगे संबंधी हो, तो उनको आप बता दीजिएगा सीटेट का भी क्लास यहाँ पर चल रही है, सीटेट की भी पूरी तैयारी आपको करवाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर फी के बारे में आपको दिया गया है ना, और हिंदी, संस्कृत, आपका सोशल साइंस, सभी चीज़ आपका चल रहा है। तो आज हो गया आपका टेस्ट नंबर 27, यहाँ पर 27 समाप्त, और कल हम लोग देखेंगे फिर टेस्ट नंबर आपको 28। ठीक है, कल भी हम कोशिश करेंगे कि BEd DL का ही करवाया जाए, क्योंकि इसी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस सभी लोग कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा BEd DL को आपको थोड़ा सा ज़्यादा करवाना है ना। सामान्य अध्ययन हमारा ठीक है ना, वो भी करवाएंगे। ठीक है, और करेंट अफेयर भी जो चल रहा था उसको भी करवाएंगे, और 8 तारीख के बाद हम आपका रीजनिंग का भी करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बने रहिए, सभी चीज़ का तैयारी यहाँ पर आपका धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो और अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बता दिए हैं, है ना। इस नंबर पे पेमेंट करना है आपको 251 रुपये का। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां आपको PDF, वीडियो, नोट्स इत्यादि सभी चीज़ मिल जाएगा, जहां से आप काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और फिर हम मिलेंगे कल इसी समय 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट। आप लोग अच्छे से रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। किसी प्रकार का समस्या हो बताइए, है ना। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत